हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम इंग्लिश में अपना डेली रूटीन कैसे बताएं। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो हमें अपने डेली रूटीन को डिस्कस करना पड़ता है। और इस डेली रूटीन को आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, जिससे कि वे स्कूल में और अपनी एजुकेशन में इसके बारे में बात कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैं इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आई वेक अप या गेट अप एट 6 AM व्हेन अलार्म रिंग्स। इसका मतलब यह है कि जब भी सुबह अलार्म बजता है, उसके साथ ही हम उठते हैं। तो उठने के लिए वेक अप या गेट अप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, देन आई टर्न ऑफ माई अलार्म क्लॉक एंड रोल आउट ऑफ बेड या आई गेट आउट ऑफ बेड। तो जैसे ही अलार्म बजता है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अलार्म को बंद कर देते हैं और अपने बिस्तर पे से लुढ़कते हुए या करवट लेते हुए बेड से नीचे आ जाते हैं। तो बेड से नीचे आने के लिए रोल आउट ऑफ बेड भी लिख सकते हैं और हम गेट आउट ऑफ बेड, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का सेंटेंस है, सम टाइम आई टर्न ऑफ माई अलार्म एंड आई ओवर स्लीप। तो जब भी अलार्म बजता है, या तो आप उठ जाते हैं, या कई लोगों की आदत होती है कि वो अलार्म को बंद करने के बाद फिर से सो जाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है ओवर स्लीप, इसका मतलब होता है कि जिस टाइम पर आप डेली उठते हैं उस टाइम से थोड़ा ज़्यादा सोना। तो यदि आप जो टाइम डेली उठते हैं उस टाइम से थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, तो उस टाइम पर आपको इस वाले सेंटेंस का यूज़ करना है, ओवर स्लीप वाले का। उसके बाद हम क्या करते हैं उठने के बाद, आई गो इन टू दी बाथरूम एंड वॉश ऑफ माई फेस एंड वॉश द स्लीप आउट ऑफ माई आई। इसका मतलब यह है कि उठने के बाद हम सीधा बाथरूम में जाते हैं और अपने फेस को धोते हैं और हमारी आँखों से जो कचरा निकलता है उसको साफ करते हैं। फिफ्थ सेंटेंस है, I have got my toothbrush and put on toothpaste over it and after brush I simply spit out the toothpaste। इसका मतलब यह है कि मैं उसके बाद फेस वॉश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, टूथब्रश लेता हूँ और उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाता हूँ। तो टूथपेस्ट लगाने को बोलते हैं पुट ऑन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो भी पेस्ट मुंह के अंदर होता है उसको थूक देता हूँ। तो थूकने को बोलते हैं स्पिट आउट द टूथपेस्ट। इसके बाद सिक्स सेंटेंस है, आई पुट ऑन सम मेकअप अंडर माई आईज टू मास्क हाउ आई टायर्ड आई रियली एम। इसका मतलब कि कुछ लोग रात भर थके होते हैं या सोते नहीं हैं, तो उनके आईज के नीचे ब्लैक स्पॉट या सलवट आ जाती हैं, तो उसको छुपाने के लिए, जिससे कि वो थके हुए ना लगें, वह कुछ मेकअप लगाते हैं। तो मेकअप लगाने को बोलते हैं पुट ऑन। उसके बाद क्या करते हैं, आई पुट ऑन माई ग्लासेस फॉर द डे एंड आई चूज टू पुट इन माई आई कॉन्टैक्ट्स। मतलब कि जो लोग चश्मे लगाते हैं वह अपने दिन की शुरुआत के लिए अपने चश्मे पहन लेते हैं। तो कोई भी चीज़ पहनने को पुट ऑन बोलते हैं जनरली। और कुछ लोग होते हैं जो आई कॉन्टैक्ट लगाते हैं, मतलब कि जो आंखों की पुतलियां हैं उसमें कॉन्टैक्ट्स लगाते हैं। तो जो लोग चश्मे नहीं पहनते हैं वह बोल सकते हैं कि आई पुट इन माई आई कॉन्टैक्ट्स। इसके बाद सेवन नंबर का सेंटेंस है, देन आई ब्रश आउट माई हेयर एंड टेक माई हेयर आउट ऑफ ब्रेंड्स। यह जनरली वीमेंस के लिए यूज़फुल होगा,
क्योंकि वह रात को जब सोते हैं तो चोटी करके सोती हैं या किसी तरह के रबर बैंड से अपने हेयर्स को बांध के रखती हैं। तो अपने हेयर को सही करना, चोटी मतलब जो गुथी हुई चोटी है उसको सीधा करना और अपने हेयर को किसी तरह के जो बैंड होते हैं उनसे बांध के रखते हैं उससे निकालने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे कि आई ब्रश आउट माई हेयर एंड टेक माई हेयर आउट ऑफ ब्रेंड्स। उसके बाद 8 नंबर का सेंटेंस है, देन आई टाई बैक माई हेयर, या फिर ये बोल सकते हैं आई टाई अप, या फिर हम बोल सकते हैं पुल अप माई हेयर इन टू अ पॉनी टेल। मतलब यह है कि जब बाल खोल लिए, उनको संवार लिया, उसके बाद मैं अपने बालों को उन्हें बांध लेती हूँ या उनको टाई अप कर लेती हूँ, या पुल अप माई हेयर इन टू अ पॉनी टेल। पॉनी टेल का मीन्स होता है कि अपने बालों से जो दो चोटियाँ करते हैं उस तरह की से बांध लेना। अब 9th नंबर का सेंटेंस है, आई डू एक्सरसाइज फॉर अबाउट हाफ एन आवर। मतलब थोड़ा रेडी होने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सरसाइज कर, तो तैयार होने के बाद थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ आधे घंटे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई हैव अ टी विद सम काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, कुछ थोड़े से ब्रेकफास्ट जैसे कि मटरी ले ली या बिस्किट्स ले लिए, ऐसा कुछ खा के मैं चाय पी लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, 11th सेंटेंस है, आई टेक बाथ या आई हैव शावर। तो नहाने के लिए जनरली दोनों स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, आई टेक बाथ एंड आई हैव शावर। उसके बाद मैं नहाता हूँ। एंड 12th सेंटेंस है, आई डू वर्शिप, मतलब उसके बाद फिर मैं पूजा करता हूँ। 13th सेंटेंस है, देन आई ड्रेस अप फॉर ऑफिस, या हम कह सकते हैं आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस। फिर जिन लोगों को ऑफिस जाना होता है वह क्या करते हैं, ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। तो तैयार होने के लिए ड्रेस अप वर्ड यूजली अच्छा लगता है, और हम ये भी बोल सकते हैं कि आई गेट रेडी फॉर द ऑफिस। 14th सेंटेंस है, आई पैक्ड माई लंच बॉक्स फॉर द ऑफिस। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना ऑफिस के जाने के लिए अपना लंच बॉक्स पैक करते हैं। 15th सेंटेंस है, आई हैड टू वर्क बाय 9 AM बाय बाइक, या हम कह सकते हैं आई लीव हाउस एट 9 AM फॉर गोइंग टू द ऑफिस। इसका मतलब यह है कि मैं 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूँ। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया हेड टू। हेड टू का मीन्स होता है जब हम किसी जगह पर जा रहे होते हैं तो उस जगह जाने के लिए हम हेड टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पार्क जा रहा हूँ तो आई एम हेड टू पार्क। इसके बाद 16 नंबर का सेंटेंस है, इट टेक्स मी अबाउट 15 मिनट टू रीच टू द ऑफिस। मतलब कि मुझे ऑफिस जाने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं। 17 नंबर का सेंटेंस है, आई पार्क माई बाइक इन दी पार्किंग एरिया। तो ऑफिस पहुंचने पर मैं क्या करता हूँ, मेरी जो बाइक है उसको पार्किंग एरिया में पार्क कर देता हूँ। 18 नंबर, आई स्टेयर अप टू 3rd फ्लोर टू रीच टू दी ऑफिस बिल्डिंग। मतलब मैं अपने ऑफिस की बिल्डिंग पर 3rd माले पर चढ़ के जाता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस 3rd मंजिल पर है। ठीक, 19 नंबर का सेंटेंस है, आई क्लीन माय वर्क काउंटर या स्टेशन विथ क्लॉथ। मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन या वर्क काउंटर। तो आई क्लीन माय वर्क काउंटर या स्टेशन विथ क्लॉथ, कपड़े की सहायता से मैं अपने वर्क काउंटर को थोड़ा, डेस्कटॉप कीबोर्ड इनको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। देन 20 नंबर, देन आई हैव लंच एट 1 PM ड्यूरिंग लंच टाइम। मतलब जो मेरा लंच है वह 1 बजे होता है, उस टाइम में मैं क्या करता हूँ,
लंच करता हूँ, तो लंच करने को या ब्रेकफास्ट खाने को हम हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट इस तरीके से बोलते हैं। हैव का यूज़ करके हम खाने वाली चीज़ों को बोल सकते हैं। 21 नंबर का सेंटेंस है, आई रिटर्न बैक टू होम बाय 6 PM, और मैं 6 बजे अपने घर वापस आ जाता हूँ। 22 है, देन आई हैव सम काइंड ऑफ स्नैक इन द इवनिंग, और मैं ऑफिस से आने के बाद अक्सर भूख लगती ही है तो मैं कुछ थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, किसी भी तरह का हल्का फुल्का नाश्ता कर लेता हूँ। 23, आई हैव डिनर बाय 9 AM एंड वॉक अबाउट 10 मिनट टू डाइजेस्ट द फूड, मतलब मैं 9 बजे के आसपास अपना डिनर कर लेता हूँ और उसके बाद अपने खाने को पचाने के लिए 10 मिनट की वॉक भी कर लेता हूँ। 24, आई मेक माई बेड बिफोर स्लीपिंग, तो सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने बिस्तर को सही कर लेता हूँ, मतलब बिस्तर को साफ़ करना या बेडशीट को अपनी अच्छे से बिछाना, उसको बोलते हैं मेक वंस बेड, मतलब अपने बेड को बना लेता हूँ सोने से पहले, सही कर लेता हूँ। एंड आई गेट इन टू द बेड बाय 10 PM, और मैं 10 बजे तक अपने बेड पर सोने के लिए चले जाता हूँ। तो ये था दोस्तों आज का चैप्टर, जिसमें मैंने मैक्सिमम डेली रूटीन जो होता है, जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनका, वो कवर किया है। और जो हाउस चोर करते हैं, जो घर पर रह के जो महिलाएं काम करती हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होता है, उसके लिए मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक